मुरादाबाद के निजी अखबार में शहर इमाम की समाजवादी पार्टी को वोट देने की फर्जी अपील से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र के लंगड़े की पुलिया का है, जहां जिगर की आवाज अखबार में शहर इमाम की फर्जी अपील छपी, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि मुरादाबाद नगर की आवाम सिर्फ एक नाम जानती है, उसका नाम रिजवान कुरैशी है, जिसे पहले भी इन सब लोगों ने साजिश के तहत मेयर का चुनाव हराने की कोशिश की थी, हरा दिया था। इस बार शहर की आवाम पूरा समर्थन, पूरा जनसलाब मेरे साथ है, उसी से घबराकर ये ऊंची राजनीति शुरू हुई है और अखबार में शहर इमाम और दूसरे सज्जादा नशीन के नाम से एक अखबार छप रहा था, हमने आकर के मौके पर पकड़ा है। कितने अखबार होंगे? लगभग 15,000 से 20,000 कॉपी होंगी। इसमें क्या पुलिस प्रशासन शिकायत करेगी आपकी? मैं SSP साहब के नाम तहरीर लेकर के जा रहा था, क्योंकि रात से ही लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं तहरीर लेकर के जा रहा था, तभी मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे हमारे लोगों ने मौके पे प्रेस पे पकड़ लिया है। साथ ही अखबार में शहर इमाम की फर्जी अपील छपने के बाद कांग्रेस विधायक प्रत्याशी हाजी रिजवान सहित भारी संख्या में कांग्रेसी मौके पर पहुंचे और रोष जताया। आवाज न्यूज पेपर में एक जो संपादक द्वारा एक पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की गई है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। MCC के लिए किसी पार्टी विशेष में किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में इस तरीके से अपील न्यूज पेपर में नहीं की जा सकती है। मतदान से एक दिन पूर्व जो किया गया, इसलिए इस पर अभी जाँच की जा रही है इस मामले की और आवश्यक कार्रवाई। अभी तक इस मामले कोई गिरफ्तारी की नहीं, अभी ऐसी गिरफ्तारी का कोई न्यूज पेपर का हवाला दिया जा रहा है, मिला पेपर न्यूज पेपर अभी उसको देखा जा रहा है, न्यूज पेपर जो सर्कुलेट हो चुका है उसकी। लगभग कितनी कॉपियां वितरित की गई? अभी कॉपियों की जानकारी हमारे पास होती है। ऐसा क्या छापा था उन्होंने जो इससे जो है कांग्रेस के काफी लोग यहाँ पर आ चुके? आचार संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन करते हुए प्रिंट मीडिया में कोई भी न्यूज नहीं चलाई जाएगी, ये पेड न्यूज की कैटेगरी में आता है और इसका जो स्पष्ट उल्लंघन दिखाई दे रहा है। मौके पर CO कटघर सहित भारी पुलिस बल पहुंचा है। दो दिन पहले शोएब हसन पाशा को महानगर अध्यक्ष सापा के इनकी कॉल आई मेरे पास, डॉक्टर साहब आप शादी मकबरे में जो हाजी यूसुफ अंसारी का शादी हो रहा है वहाँ पर आ जाओ। मैं पहुंच गया वहाँ। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ देखा कि साहब दोनों बैठे हुए हैं। जब मैं गया ऊपर, बुलाया मैंने ऊपर, गया तो दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था मुझे एक अपील छपवानी है धर्मगुरुओं का, शोएब पाशा और वो हाजी यूसुफ अंसारी। तो मैंने कहा ठीक है साहब छाप देंगे। हमने कहा किसी पार्टी का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। बोले किसी पार्टी का कोई जिक्र नहीं होगा, ना कांग्रेस ना बसपा ना कोई भी भाजपा कोई भी। मैंने ठीक है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा इसके लिए फ़ोटो चाहिए मुझे। तो फ़ोटो इन्होंने कहा मैं फ़ोटो मैं दूंगा आप। तो मैंने बहुत, क्योंकि भाई खिलाड़ी हैं पूरा संपादक है, 24 साल हो गया अखबार को, मैंने कहा फ़ोटो आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो मैं छापूंगा वरना नहीं छापूंगा, ताकि मेरे पास सबूत हो। तो व्हाट्सएप पर उन्होंने फ़ोटो भेजा, तो फ़ोटो के आधार पर हमने खबर लगाई, अपील धर्मगुरुओं की अपील लगाई, सज्जादा नशीनों की अपील लगाई और लगाने के बाद इसको लेकर विवाद बढ़ा। कांग्रेस प्रत्याशी और की जो हाजी रिजवान कुरैशी आई, दोनों जो है उत्तेजित हुए। इकराम कुरैशी, इन्होंने मुझसे संपर्क किया। फिर मुझे कॉल करके बुलाया तो मैं यहाँ आया, तो इन लोगों से जो बात बताई वही मैं आपसे बता रहा हूँ। किसी मौलाना से संपर्क करा था आपने, किसी इमाम से, धर्मगुरु से? हमने मुजफ्फर से तुराबी साहब से फोटो मंगवाए थे, बस फोटो मंगवाया था, कोई संपर्क इस बात का नहीं था। नहीं, कि आपने उनसे ये नहीं पूछा था कि आपने सपा को वोट? नहीं, ऐसा है कि उनके 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 उनकी अपील कई एक बार मैं लगा चुका पहले भी, फोटो दे देते दे मैं लगा देता था। शिवली का फोन आया था, वो कह रहा है कि मतलब हमसे कोई संपर्क नहीं करा। कौन? शिवली चिश्ती जो है। शिवली चिश्ती, शिवली चिश्ती, क्योंकि शिवली चिश्ती और एक वो शोएब हसन पाशा दोनों दोस्त भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। तो शोएब पाशा को उन्होंने दिया होगा या नहीं दिया होगा ये उदाहरण है, उनका काम। शहर इमाम साहब का फोटो कहाँ से आया आपको? शोएब पाशा का सर सबके पास होता है, उन्होंने भेजा है आपको? ना उन्होंने भेजा, नहीं शोएब हसन पाशा। तो आपको कैसे पता है शहर इमाम साहब ने समर्थन किया है समाजवादी पार्टी? शोएब पाशा ने दिया फोटो, शोएब पाशा ने दिया। और एस टी हसन साहब का? एस टी हसन तो उनकी पार्टी की, उसी क्या मतलब? कैसर कुद्दूसी का भी फोटो उन्होंने अपील की है, इस तरीके उन्होंने विरोध किया है कोई? नहीं, ये आर्टिकल आपने बनाया? नहीं, उन्होंने अपील की है। नहीं, मैंने बनाया, आपने बनाई थी आर्टिकल, छपा छपाया था, आपने खुद बनाई थी खबर? नहीं, मैंने बनाई, खबर आपने लिखी है। शोएब पाशा का, शोएब पाशा के कहने के आधार पर मैंने खबर लगाई।
शुएब पाशा मिल जाने का बयान किसी जी मतलब किसी धर्म गुरु से आपने सामने नहीं किया है सिर्फ ऐसी मतलब फोटो के आधार पे फोटो के आधार पे वहीं अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।